लगभग 10 मिनट से इस एसी को चला रखे हैं, डिस्प्ले पर लाइट तो आ रहा है लेकिन इसका ब्लोअर जो है घूम नहीं रहा है, ये एसी चल नहीं रहा है। तो फिर से लाइट काटते हैं और खोल करके देखते हैं क्या है दिक्कत इसके अंदर। 3 स्टार में ये 2 टन का एसी है, किस कंपनी का है बीच में लिखा हुआ है, गौर फरमा सकते हैं। बाकी खोलते हैं देखते हैं क्या है दिक्कत इसके अंदर। और इसको चेक करने के लिए अभी हम महिला आईटीआई सुपौल में आए हुए। पूरे एसी के कवर में मात्र 3 स्क्रू लगा हुआ था जो कि काफी हमको अच्छा लगा, और सब एसियों की तरह स्क्रू पे स्क्रू नहीं भरा हुआ है इसके अंदर। कवर तो खोल के हटा दिए, साफ साफ दिख रहा है सामने में, देखिए चूहा का प्रकोप कितना भयंकर है। यहाँ पर देख रहे हैं कि छेदों कर दिया काट के, खैर इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन और क्या क्या नष्ट किया है सब देखते हैं। यहाँ इनके पानी वाले पाइप को पूरा तो नहीं काटा है लेकिन ऊपर ऊपर का कवर जो व्हाइट वाला होता है वो काट दिया। एसी के अंदर जो इनपुट करेंट जा रहा है वो वाला वायर को भी काट दिया है, छिल दिया है, मैंने पूरा नहीं काटा है। और यहाँ ये स्विंग मोटर वाला वायर है जो कि स्विंग मोटर को देख रहे हैं पूरा जड़ से ही खा गया है, देखिए जोनर लैग छोड़ा ही नहीं। यहाँ देखिए मोटर वाले वायर को भी काटे हुआ है, देखिए एक तो काला वाला तार जो है मोटर में जाता है वो वाला काट दिया, इसीलिए तो मोटर नहीं चल रहा है। इंडोर टू आउटडोर जो वायर गया है उनको भी छील दिया है चूहा पूरा तरीके से, इसीलिए उसको खोल रहे हैं, टेप मार देंगे बढ़िया से नहीं तो शॉर्ट सर्किट लग जाएगा। सबसे पहले तो ये मोटर वाला जो वायर काटा है उनको हम जोड़ देते हैं, एक तो वायर काटा है जोड़ने लायक है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा जोड़ने में लेकिन जुट जाएगा। सब कुछ जोड़ जाड़ करके लाइन तो दे दिए इसके अंदर, मोटर चलने लगा, मोटर पहले नहीं चल रहा था। बाकी 3 मिनट तक देखते हैं, जब तक कंप्रेसर नहीं चलेगा देखते हैं सस्पेंशन ही रहेगा मन में और कोई प्रॉब्लम ना निकल जाए। कंप्रेसर जो है चल चुका है और ठंडा ठंडा हवा जो है फेंकने लगा, तो अब हम पूरा जो है कंप्लीट पैक कर देते हैं। बाकी यहाँ देखिए चूहा कितना हरकंप मचा रखा था एसी के अंदर, पूरा एसी को काट खोट के बराबर कर दिया।